अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा होगा। वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है चिकन मंचूरियन विद फ्राइड राइस। फ्राइड राइस कई दफ़ा देख चुके हैं आप चाइनीज़ राइस शास्त्री की रेसिपी अगर आपने देखी हो तो उसमें फ्राइड राइस है, तो वो रेसिपी मैं आज फॉलो नहीं कर रही हूँ और आपको सिर्फ मंचूरियन की रेसिपी बताएंगे। तो आइए, सबसे पहले हम इसमें लेंगे हाफ के जी क्यूब्स में कटिंग चिकन है, और इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। देन इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। हाफ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर, चिली फ्लेक्स यानी कुटी लाल मिर्च आपने इसमें ऐड करनी है 1 टेबल स्पून फुल। देन हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस 1.5 टेबल स्पून। टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लावर आपने डालना है फुल, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो सके। ये आप देख सकते हैं टेबल स्पून, जो मैं हमेशा आपको अपनी वीडियो में दिखाती हूँ हिसाब चम्मच का, तो यही फुल आपने ऐड करना है। 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर 3 एंड 4 डन। और 1 बीटन एग आपने इसमें ऐड करना है, और इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और हाफ आवर के लिए मैरिनेट कर देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा देर के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। देन आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। चिकन हमारी मैरिनेट हो चुकी है हाफ आवर के लिए। अब ये 1 कप जितना मैंने ऑयल लिया है कढ़ाई में, और इसमें सबसे पहले क्यूब्स में 1-1 करके 1-1 पीस करके आपने डालना है और चिकन को फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे रखना है ताकि इजी जो है वो फ्राई हो जाए। चिकन आप देख सकते हैं फ्राई होके मैंने निकाल ली है, और इसको बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए। नेक्स्ट उसी कढ़ाई में ऑयल मैंने कम कर दिया है, अब ये 3 टेबल स्पून ऑयल है, इसको गर्म करना है और इसमें ऐड करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना, अगर आपके पास जिंजर गार्लिक फ्रेश है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। जिंजर गार्लिक अच्छे से फ्राई हो गया, जितनी भी सब्जियां हैं वो मैं इसमें ऐड करूंगी, जैसे कि 1 टेबल स्पून जितनी चिली है, ये शिमला मिर्च है 1/2 कप, 1/2 कप हरी प्याज है, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिलीज हैं जिनको चॉप कर लिया, इन सबको अच्छे से फ्राई करना है। यहाँ देख सकते हैं जैसे फ्राई हो रहा है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसमें ऐड करेंगे प्याज जो कि क्यूब्स में कटिंग की हुई है। प्याज ऐड करने के बाद इसको अच्छे से अगेन मिक्स करना है, थोड़ा प्याज को हम फ्राई करेंगे। अच्छा जी, सब्जी हमारी अच्छे से फ्राई हो रही है। अब इसमें ऐड करेंगे मसाले। सबसे पहले इसमें जाएगा नमक, जो कि मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून सॉल्ट। नमक ऐड करने के बाद 1 टेबल स्पून फुल आपने ऐड करनी है लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च डालने के बाद इसमें ऐड करना है सिरका, 2 टेबल स्पून सिरका मैं इसमें ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद इसमें 2 टेबल स्पून जाएगा सोया सॉस। सोया सॉस ऐड करने के बाद 4 टेबल स्पून इसमें केचप ऐड करूंगी, और 4 टेबल स्पून इसमें चिली गार्लिक ऐड करूंगी। सबसे पहले केचप लेनी है 4 टेबल स्पून। फोर टेबल स्पून केचप ऐड करने के बाद चिली गार्लिक भी इसमें 4 टेबल स्पून ऐड करना है। चिली गार्लिक इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें जाएगा चीनी, इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून चीनी, एंड पेपरिका इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून इसमें पेपरिका ऐड करना है। इन सब चीज़ों को अब मिक्स करेंगे। सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए, सारे इस पहले जितने भी थे ऐड कर लिए। आप अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपको केचप का फ्लेवर या चिली गार्लिक का फ्लेवर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए। अब इसमें ऐड करूंगी 2 कप वाटर, क्योंकि हमें ज़रा ग्रेवी ज़्यादा चाहिए होती है, तो मैं इसमें ऐड करूंगी 2 कप पानी। 2 कप पानी की क्वांटिटी 1 गिलास वाटर भी हो सकती है, तो 1 गिलास वाटर डालना है इसमें, और इसको ज़रा सा हम पकने देंगे। देन हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। पानी में आप देख सकते हैं बॉयल आ गया है। अब 1 कप पानी में कॉर्नफ्लावर घोल कर रखा है 4 टेबल स्पून, अब वो इसमें ऐड करेंगे और साथ ही चिकन भी ऐड करेंगे।
कॉर्नफ्लावर डालने से जो ग्रेवी है वो थिक हो जाएगी। अच्छे से इसको मिक्स करना है, देन इसमें ऐड करेंगे जो हमारी फ्राइड की हुई चिकन है वो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये चिकन मंचूरियन विद फ्राइड राइस रेडी हो चुके हैं। राइस की रेसिपी आप पहले भी देख चुके हैं, अगर आपने शाशलिक की रेसिपी देखी होगी तो उसमें मैंने पूरी डिटेल में तरीका बताया है चावल को फ्राई करने का, चाइनीज़ राइस बनाने का। मंचूरियन की रेसिपी आज आपके सामने है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। और कोई ऐसी रेसिपी जो आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम ज़रूर बनाएंगे। और नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ फिर हाजिर होंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।